हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 जो कि रसलन नंबर है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम रसलन नंबर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 है। उससे पहले रसलन नंबर क्या है वो जान लेते हैं। रसलन नंबर ये है जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, एंड ये जो क्यू है क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, और क्यू हमारा डिनोमिनेटर है ये सभी को पता है, ठीक है। अगर हम डिनोमिनेटर में क्या है, एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। अगर जीरो हो गया 1/0, तो 1/0 या 2/0 आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। 2/0 तो हम वो इसको हम क्या करेंगे, मतलब ये जो है ना इसका वैल्यू कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो में हम रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 है। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर ये है जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू, और क्यू जो है ना क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं, ये रेशनल नंबर है। तो क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड बोला जाएगा। इफ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2/0, तो ये क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। जब कभी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा वो आपको नॉट डिफाइंड लिखना है, करेक्ट, इसीलिए जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो नेशनल नंबर है, तो डेसिमल तो हम नेशनल नंबर में फॉर्म कर सकते हैं, वो कैसे, 0.2 को लेते हो, लेंगे 2/10, 0.2 को मैंने यहाँ पर लिखा है तो मैं 0.2 लिया हूँ, और इसको कट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ये हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है, नेशनल नंबर हो गया, सभी को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट आ रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम लेंगे 1/6, एक एक करके लेंगे, फर्स्ट वाला नंबर हम लेके चेक करेंगे, ये भी हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन भी हमारा रेशनल नंबर ही है। ये सभी के बारे में हम पहले से जान चुके हैं, सेवन स्टैंडर्ड आपको फिफ्थ से सेवन स्टैंडर्ड के अंदर ये सभी चीज आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएंगे इंटीजर पर, तो नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, -3। तो -3 एक मतलब इसमें नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा नहीं है, तो हम इसको -3/1 लिख सकते हैं कि नहीं। 1 हम हमारा कभी लिखा नहीं जाता, वो हिडन रहता है, आप इसको लिख भी सकते हो और नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो मतलब कभी भी लिखा नहीं जाता मोस्टली, पर हम मैं दिखाने के लिए पी बाई क्यू फॉर्म में इसको आप 1 लिख के आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे नेशनल नंबर है। तो ये हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, -P/Q, मतलब ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम 3 लेंगे, 3/1 जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में, और वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नहीं। नेक्स्ट आते हैं होल नंबर पर और नेचुरल नंबर पर, वो तो होल नंबर और नेचुरल नंबर वो तो ऑलरेडी देखो, ये 3 लिया मतलब इंटीजर्स के अंदर वो सेम टू सेम है, और एक नंबर ले लेते हैं 2/1 जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में है, वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर, ऑल आर रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो अभी हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर के साथ एक रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो एक रेशनल नंबर ही देगा, ठीक है। और एक रेशनल नंबर को रेशनल नंबर को माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो भी एक रेशनल नंबर देगा। आप एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हो, एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक रेशनल नंबर ही देगा। नेक्स्ट आते हैं रेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो भी रेशनल नंबर देगा, पर डिनोमिनेटर उसका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर रेशनल नंबर के साथ जीरो नीचे आ गया वो नॉट डिफाइंड बोला जाएगा, मैं अभी अभी आपको बोली हूं, है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना कि रेशनल नंबर के नीचे मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो आया तो नॉट डिफाइंड आपको सिंपली लिखना है, करेक्ट। तो हम उसके जो अदर प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी, करेक्ट। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, करेक्ट। तो उसको हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है। तो a हम लेंगे
फोर, बी को लेंगे टू, तो ए प्लस बी जो है फोर प्लस टू इज इक्वल टू टू प्लस फोर, बस एक्सचेंज होगा उसके प्लेस में, ठीक है। ये है हमारा कम्यूटेटिविटी। और नेक्स्ट हम सॉरी इसको पहले कर लेंगे, सिक्स इज इक्वल टू सिक्स आ रहा है, मतलब हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस होना चाहिए। जब कभी आपको इसी फॉर्म में दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी में आता है, तो आपको वही लिखना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आता है, करेक्ट। तो इसमें ले लेते हैं ए इज इक्वल टू फोर बी इज इक्वल टू टू, सेम नंबर लेके चेक करते हैं, तो ए इंटू बी फोर इंटू टू एंड टू इंटू फोर जो कि एट और एट आ गया आंसर हमारा। तो यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, पर सब्स्ट्रैक्शन एंड डिविजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा। कैसे, ए माइनस बी मैं लिख देती हूँ, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए, ये हो गया एडिशन, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट आएगा डिवीजन, करेक्ट। तो ए डिवीजन बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवीजन ए, सेम नंबर लेके चेक करेंगे, ए माइनस बी जो कि फोर लिए हैं ए, फोर माइनस टू इसको बाद में देंगे टू माइनस फोर, तो फोर माइनस टू हमारा कितना आएगा, फोर माइनस टू टू ही आएगा और ये हमारा माइनस टू आएगा, तो ये नॉट इक्वल टू हुआ ना। नेक्स्ट ए बाई बी तो फोर बाई टू और ये टू बाई फोर, तो फोर बाई टू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, है कि नहीं, और ये वन बाय टू जो कि नॉट इक्वल टू है, इसीलिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है, करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को हम ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं, इसको मतलब ये दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं और इक्वल टू करेंगे ए प्लस बी को एक साथ लेके सी के साथ एडिशन करेंगे, ठीक है, वैल्यू लेके हम एग्जांपल लेके समझेंगे। सेम ए के सॉरी ए हम टू ले लेंगे, बी इज इक्वल टू थ्री ले लेंगे, सी इज इक्वल टू फोर ले लेंगे और उसको देखेंगे है हो रहा है कि नहीं, तो टू प्लस थ्री प्लस फोर को एक साथ लेंगे और ये टू प्लस थ्री एक साथ लेंगे प्लस फोर को अलग कर लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा टू प्लस सेवन और ये फाइव प्लस फोर जो कि नाइन इज इक्वल टू नाइन, सेटिस्फाई हो रहा है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है कि नहीं, सेम टू सेम एडिशन में और ये मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हम लिए है ना, सेम वैल्यू हम पुट करेंगे, तो टू इंटू थ्री इंटू फोर और इसको एक साथ लेंगे और टू इंटू थ्री को एक साथ लेंगे इंटू फोर को अलग करेंगे, कितना आता है टू इंटू ट्वेल्व और ये सिक्स इंटू फोर, तो ये आ गया ट्वेंटी फोर इजिकल टू ट्वेंटी फोर, करेक्ट। वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, वही है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, मतलब आप ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू आपको जो भी गिवन रहेगा तो आपको इसी फॉर्म में लाना है, इसी इक्वेशन में लाना है। अगर आपका आंसर दोनों में सेम है, ए इंटू बी इंटू सी को करके ये आंसर जैसे मैंने किया है अगर ऐसे आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, सेम टू सेम एडिशन के ऊपर भी सेटिस्फाई हो रहा है, पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। आप एग्जाम्पल लेके सेम नंबर लेके आप प्रॉपर्टी को यूज करके देख भी सकते हो कि वो सेटिस्फाई नहीं होगा, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए जो ए है ए को बी को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नेक्स्ट ए को सी को आ गया, सेम ओवर सब्ट्रैक्शन, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर करा जाएगा, ठीक है। तो हम वैल्यू ले लेंगे ए इज इक्वल टू सिक्स बी इज इक्वल टू फोर सी इज इक्वल टू वन, नेक्स्ट ए इज इक्वल टू सेम वैल्यू लेंगे बी इज इक्वल टू फोर सी इज इक्वल टू वन, पहले हम एडिशन करेंगे सिक्स इंटू ब्रैकेट दे देंगे सिक्स इंटू फोर इंटू वन जो कि सिक्स इंटू फोर प्लस सिक्स इंटू वन है तो सिक्स इंटू फाइव ये 24 प्लस 6 6 5 जा 30 ये
30 आगे आंसर। नेक्स्ट ओवर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सेम वैल्यू पुट करेंगे, 6 × 4 − 1 6 × 4 − 6 × 1 जो कि 6 × 3 ये 24 − 6 6 × 3 = 18 और 24 − 6 वो भी 18 आ गया हमारा आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रोल ऑफ जीरो जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में रोल ऑफ जीरो करके मेंशन किया गया है जो कि ए बाई बी फॉर्म मतलब ए एक रेशनल नंबर फॉर्म में और मतलब पी बाई क्यू फॉर्म विथ जीरो मतलब एडिशन जीरो इज इक्वल टू सेम नंबर हमको वैल्यू आएगा, वो तो करेक्ट है। देख लेते हैं, देखो और क्या बोला गया है, जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। उसका मतलब क्या है, एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने एक नेचुरल नंबर लिया, होल नंबर भी बोल सकते हो, उसको हमने जीरो के साथ ऐड किया। कोई भी नंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं जो कि रेशनल नंबर होगा, तो रेशनल नंबर हमने लिया है 5 एक रेशनल नंबर ही है, तो 5 + 0 ऐड किया तो 5 ही आएगा, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक नेगेटिव रेशनल नंबर लेती हूँ, −2 + 0 − 2 ही आएगा। जो यहाँ पर मैं गिवन नंबर लूंगी ना उसका आंसर मेरा सेम टू सेम ही आएगा, जीरो के साथ हम एडिशन करेंगे तो, करेक्ट। तो इसीलिए उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। नेक्स्ट मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिया, उसके बाद मैं एक रेशनल नंबर लेती हूँ जो कि 8/9 ही आएगा। नेक्स्ट मैं जीरो के साथ जीरो को करती हूँ, होल नंबर को सेटिस्फाई करेंगे, तो जीरो एक होल नंबर है तो जीरो के साथ सेम जीरो ही एडिशन करना है, जीरो ही आएगा, हो गया। तो जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन रेशनल नंबर्स इंटीजर्स, इंटीजर्स हो गया, रेशनल नंबर हो गया, यहाँ पर नेचुरल नंबर हो गया और ये होल नंबर हो गया, सभी को सेटिस्फाई हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट रोल ऑफ वन जिसमें एक रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 1 = सेम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल नंबर ही आएगा, सेम रेशनल नंबर ही आएगा। इसीलिए 1 को हमारा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, 5 × 1 = 1 × 5 जो कि 5 ही आएगा, 2/3 × 1 = 1 × 2/3 = 2/3 ही आएगा, ठीक है। जैसे हम जीरो में किए थे, जीरो के साथ हम ऐड कर रहे थे, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, करेक्ट। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल वो किसको बोला जाता है, एक रेशनल नंबर लेते हैं 1/6, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल ऑफ 1/6 = 6/1 ऐसे हमको लिखना है, ठीक है। तो 1/6 × 6/1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, आंसर हमारा 1 ही आएगा, करेक्ट। आपके बुक में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा रहेंगे, ऐसे इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, अदरवाइज आपको पूछा जाएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेशनल नंबर इज इक्वल टू डैश, करेक्ट। बस आपको ये पता करना है कि जो नंबर रहेगा गिवन रहेगा वो आपका बस उल्टा ही लिखना है, 1/6 का 6/1, 2/3 का एग्जाम्पल और एक लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 = 3/2 होगा। अभी हम चेक करेंगे 2/3 × 3/2 कट हो रहा है, आंसर 1 ही आ रहा है कि नहीं, इसलिए इसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोला जाता है, इनवर्स रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा है कि नहीं। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स का मतलब a प्लस नेगेटिव ऑफ a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू 0। ए यहाँ पर रेशनल नंबर है, ठीक है, मतलब आप कोई भी नंबर ए के जगह ले सकते हो, मैं जहां पर ए लिखी हूं ना वहां पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो पर वो रेशनल नंबर होना चाहिए, करेक्ट। तो उसी को लेके आपको चेक करना है, 1 + और उसका नेगेटिव इनवर्स क्या है, −1 − 1 + 1 जो कि आंसर हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए यहां पर ए इज नेगेटिव ऑफ, अदरवाइज आप लिख सकते हो नेगेटिव के जगह एडिटिव इनवर्स,
ठीक है, ए इज नेगेटिव ऑफ माइनस ए, सेम माइनस ए इज नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है, इसे आपको लिखना है, नेगेटिव दिया रहेगा तो पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव का नेगेटिव लिखना है, बस उतना ही आपको प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको समझा दिया हूं। और नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सरसाइजेज हम सब सारे कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।